दोस्तों नमस्कार। आप से कुछ दिन पहले पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में जब गोलीकांड हुआ था और उसमें अशोक प्रधान गैंग के एक बदमाश जिसका नाम अमन जोन था उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो 30 से 40 गोलियां हिमांशु भाव गैंग के बदमाशों ने वहां पर चलाए थे और अब उस केस में दिल्ली पुलिस और हरियाणा की सोनीपत जिले के एसटीएफ ने बड़ा एनकाउंटर किया है और हिमांशु भाव गैंग की कमर तोड़ दी है। हिमांशु भाव गैंग के वो तीनों बदमाश अब एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। तो जिन जिन बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, कौन कौन थे वो बदमाश और किन वारदातों को अंजाम देने जा रहे थे और किस तरह से हरियाणा दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में हिमांशु भाव गैंग पुलिस की या कानून व्यवस्था के छाती पर चढ़कर मोम गल रहा था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें कहानियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है कल हरियाणा के सोनीपत की जहाँ इन तीन बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। हालांकि शुरू में ये बातें बड़ी कंफ्यूजन वाली थी कि इसे दिल्ली पुलिस ने ठोका है या फिर हरियाणा के एसटीएफ सोनीपत के एसटीएफ ने ठोका है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर यानी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत इन तीनों बदमाशों का एनकाउंटर किया है। अब देखिए जो तीन बदमाश मारे गए हैं यही तीनों बदमाश थे जो दिल्ली में जब आपको याद होगा फ्यूजन कार शोरूम के बाहर फायरिंग हुई थी या फिर रजौरी गार्डन के अंदर कांड हुआ था या फिर हम हरियाणा के सोनीपत के कालूराम मातूराम हलवाई से लेकर सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग करके एक जगह से 1 करोड़ रुपए और एक जगह से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ये सारे कांड जो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के अंदर लगातार किए जा रहे थे, वारदात किए जा रहे थे, उन सभी वारदातों में यही बदमाश शामिल थे। अब देखिए इनके नाम हैं आशीष उर्फ लालू, सन्नी खरण और विक्की रिढ़ाना। सन्नी गुर्जर, सन्नी खरण नाम बताया जा रहा है इसका। ये तीन बदमाश ऐसे थे जो हिमांशु भाव के लिए काम करते थे। हिमांशु भाव के आदेश के बाद दिल्ली और हरियाणा के आसपास के इलाकों में ये गोलीबारी करते थे, उसके बाद रंगदारी की पर्ची फेंकी जाती थी और फिर दनादन पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे। अब देखिए पूरा अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो सोनीपत एसटीएफ और भाव गैंग के शूटरों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सोनीपत के खरखौदा गाँव छिनौली रोड पर यह मुठभेड़ हुआ है। छिनौली रोड खरखौदा एक गाँव है, यहाँ पर एसटीएफ को एक सूचना मिलती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से इस बदमाशों को टारगेट कर रही थी, उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। हरियाणा एसटीएफ ने उसके बाद मिलकर तीनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इन बदमाशों के पास से एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है, 5 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं। तीनों पर हरियाणा की पुलिस ने ज़बरदस्त इनाम रखा था। हिसार के कई व्यापारियों से कई करोड़ों रुपए की रंगदारी इन्होंने मांगी थी और सोनीपत पुलिस और हरियाणा एसटीएफ इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल एक बार फिर से कर रही है। तो देखिए हिमांशु भाव गैंग के तीनों बदमाश हैं, इनकी तस्वीरें मैं एनकाउंटर वाली नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दिखाना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन तीनों मार दिए गए हैं और इन तीनों की हत्या के बाद हिमांशु भाव जिस तरह से दहशत फैला रखा था इन सब इलाकों में, अब कहीं ना कहीं उसकी दहशत खत्म होती जरूर दिखाई देगी। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि गैंगस्टर हिमांशु भाव ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली पुलिस को धमकी दी थी और उसने कहा था कि दिल्ली पुलिस उसके गैंग के बदमाशों को या फिर उसके लड़कों को एनकाउंटर करने वाली है और इस बात की सुगबुगाहट बहुत हिमांशु भाव गैंग की तरफ से लगातार कही जा रही थी। और मुझे याद है आज से करीब 8 से 10 दिन पहले मैंने जब खबर आपको बताई थी, हिमांशु भाव ने सोशल मीडिया पर रात 12:54 उस वक्त हो रहा था एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर जिसमें उसने लिखा था कि दिल्ली पुलिस ने उसके गैंग के कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है और वो गिरफ्तारी नहीं दिखाने वाली है, वो इन बदमाशों का एनकाउंटर करने वाली है और अगर पुलिस ऐसा गुंडागर्दी करती है तो हम पुलिस को जवाब देंगे। आप सोचिए एक गैंगस्टर पुलिस को गुंडागर्दी करने के आरोप लगाता है, एक गुंडा जो कहीं ना कहीं बदमाश है और जिसके वारदातों से दिल्ली हरियाणा खौफ खा रहा है, वो बदमाश कहता है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और कहीं ना कहीं हिमांशु भाव की बातें सच हुई। हालांकि 16 आने सच हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार पहले से नहीं किया था। दिल्ली पुलिस और हरियाणा की एसटीएफ ने, सोनीपत की एसटीएफ ने इनको कल ठोका है
और इस खबर के सामने आने के बाद आप यकीन मानिए उन सभी व्यापारियों के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है जो हिमांशु भाऊ गैंग से पीड़ित थे। हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से लगातार उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी, अब वो हरियाणा के अंदर खुश दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मुझे याद है आज से 5 महीने पहले जब मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग करने के तुरंत बाद वहाँ पर पर्ची फेंकी गई थी और उसमें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जिक्र किया गया था। और मातूराम हलवाई के बाद वहाँ पर सीताराम हलवाई के दुकान के बाहर फिर फायरिंग हुई थी। सीताराम हलवाई उस वक्त जब अपना दुकान खोल रहे थे, करीब 6:15 उस वक्त हो रहा था, सुबह सुबह का वक्त। आप सोचिए सुबह सुबह एक व्यापारी अपना दुकान खोलने के लिए आता है और जैसे ही वो शटर ऊपर करते हैं हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर उन्हें गोली मारने के लिए, फायरिंग करने के लिए, डराने के लिए, आप जो भी समझिए, वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। हालांकि इसके बाद ये भी देखने को मिला कि उसमें जो चिट्ठी फेंकी गई थी उस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि अमन भैंसवाल ग्रुप, अमन भैंसवाल दरअसल हिमांशु भाऊ गैंग के अंदर मर्ज होकर काम करता है और वही बताया जाता है। तो हिमांशु भाऊ, अमन भैंसवाल, ये सब उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे और इन सब से हरियाणा की पुलिस बहुत पहले से ही पीड़ित थी और इनसे लगातार जो है इन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। हिमांशु भाऊ की बात करें तो हिमांशु भाऊ इस वक्त पुर्तगाल में, कभी कहा जाता है कभी अमेरिका में कहा जाता है, इंटरपोल के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक हिमांशु भाऊ गैंग का या हिमांशु भाऊ का कोई अता पता नहीं है। हिमांशु भाऊ ने जिस तरह से पहले ही ये डर जारी किया था सोशल मीडिया के जरिए, उसने दिल्ली पुलिस को ये कहा था कि दिल्ली पुलिस उसके गैंग के बदमाशों को पकड़कर एनकाउंटर करना चाहती है। हालांकि एनकाउंटर तो उन बदमाशों का हुआ, लेकिन हिमांशु भाऊ गैंग ने जो आरोप लगाए थे आज से 10 दिन पहले कि दिल्ली पुलिस ने उनके शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कल रात में हरियाणा के एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर इन तीनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये तीनों बदमाश सीताराम हलवाई से लेकर मातूराम हलवाई और दिल्ली के पश्चिमी कार फ्यूजन कार शोरूम के अंदर हो या फिर राजौरी गार्डन के अंदर हो, जितनी वारदातें दिल्ली और हरियाणा में इस वक्त हो रही थी, ये सभी हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश लगातार अंजाम दे रहे थे और इन व्यापारियों से रंगदारी की रकम वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस एनकाउंटर के बाद एक असमंजस की स्थिति उस वक्त देखने को मिली जब हरियाणा की पुलिस ये दावा कर रही है कि इस एनकाउंटर को हमने किया है, दिल्ली की पुलिस ये दावा कर रही है कि इस एनकाउंटर को हमने किया है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन क्लियर हुआ और ये मालूम चला कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा की पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों बदमाशों का एनकाउंटर किया है। लेकिन एक चीज़ और देखी जाती है, हिमांशु भाऊ गैंग कहीं ना कहीं इससे बौखलाता जरूर दिखाई देता है। जब जब उसके बदमाश मारे जाते हैं तब तब वो पुलिस को आंख दिखाता है। आपको याद होगा फ्यूजन कार शोरूम के बाद जब एक गैंगस्टर इसी तरह से एनकाउंटर में ढेर किया गया था, उस वक्त भी हिमांशु भाऊ ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी कि इसके बाद और भयानक कांड होगा। उसके बाद राजौरी गार्डन कांड हुआ, हालांकि राजौरी गार्डन में जो गोलीकांड हुआ था उसमें पुरानी रंजिश बताई गई थी, गैंगस्टर नीरज भवाना के भाई शक्ति दादा की हत्या का बदला बताया गया था, लेकिन इन तीन बदमाशों के एनकाउंटर के बाद अब हिमांशु भाऊ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया या कहीं भी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हिमांशु भाऊ गैंग के अगर कोई बदमाश मारे जाते हैं तो उसके विरोध में हिमांशु भाऊ गैंग फिर कोई ना कोई ऐसी वारदात करता है जो दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस या किसी भी जगह के स्थानीय पुलिस को चैलेंज करता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी बहुत सारी अपडेट निकल कर सामने आना बाकी है, उसके बाद काफ़ी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। वैसे हिमांशु भाऊ की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।